सिट्रो इंडिया ने अपनी नई एसयूवी दिखा दी है भारतीय बाजार के लिए, वो है C3 एयरक्रॉस, जो लॉन्च होने वाले कुछ ही टाइम में। मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है C3 हैचबैक और C3 एयरक्रॉस से? दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है, C3 एयरक्रॉस भी काफ़ी हैवी लोकलाइजेशन से लॉन्च होगी ताकि इसकी प्राइसिंग होगा काफ़ी अग्रेसिव। तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटीज़ क्या है C3 हैचबैक और C3 एयरक्रॉस SUV में। पहली बात हम शुरुआत करते हैं स्टाइलिंग में। C3 एयरक्रॉस है ऑब्वियसली एक बड़ी SUV, आपको ये 4.3 मीटर का लेंथ मिलता है। तो C3 एयरक्रॉस का साइज वाइज लगभग क्रेटा के साइज में मोर देन 4 मीटर्स इन लेंथ, और C3 हैचबैक है ऑब्वियसली बिलो 4 मीटर्स, एक हैचबैक है। मगर दिखने में फ्रंट एंड में कुछ सिमिलैरिटीज आपको जरूर देखने को मिलता है। टॉप पार्ट का जो ग्रिल है, जो सिट्रो का लोगो है, और जो हेडलैम्प का डिज़ाइन और DRL वो सेम है। प्लस आपको दोनों में ही हैलोजन लैंप्स मिलता है। हाउएवर लोअर पार्ट में ज़्यादा एक SUV लुक आता है C3 एयरक्रॉस में, आपको एक स्किड प्लेट मिलता है, ग्रिल काफ़ी चौड़ा एक लुक मिलता है जो हैचबैक में नहीं, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर आप साइड में देखेंगे, ऑब्वियसली C3 एयरक्रॉस काफ़ी लंबी है, इसका रूफ लाइन भी काफ़ी बड़ा है टू अकोमोडेट द 5+2 सीटिंग, और दिखने में प्रॉपर SUV लुक आती है। अगर रियर स्टाइलिंग में देखेंगे जो दोनों का टेल लैम्प डिज़ाइन लगभग सिमिलर है, मगर C3 एयरक्रॉस का टेल लैम्प का साइज बड़ा है और डिफरेंस है टेल गेट और पूरा आपको SUV के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मिलता है। तो इस दोनों में ये डिफरेंस है कि C3 एक फंकी स्पोर्टी हैचबैक है, मगर C3 एयरक्रॉस एक बड़ी SUV लुक देती है, वो लगभग सेम इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्वाइट अ गुड लुकिंग कार। अगर देखेंगे दोनों गाड़ियाँ देखने में काफ़ी अच्छी है, एंड दैट इज़ देयर USP। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। यहाँ पे भी डिज़ाइन कुछ हद तक सिमिलर है और दोनों का टच स्क्रीन का साइज सेम है, आपको वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलता है। मगर एक बड़ा चेंज है कि C3 एयरक्रॉस में अब आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वेर एज इन द C3 वैसा नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो अपोल्स्ट्री यूज़ किया है C3 एयरक्रॉस में, आपको सॉफ्ट टच मटेरियल ज़्यादा मिलता है। प्लस डैशबोर्ड का जो कलरिंग है वो भी एक प्रीमियम कलर लाइटर शेड में मिलता है। C3 में सब कुछ ब्लैक है, और या आप ऑरेंज इंसर्ट्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको C3 एयरक्रॉस में ऑब्वियसली स्पेस ज़्यादा मिलता है, व्हील बेस लंबा है, C3 एक हैचबैक है, एयरक्रॉस में आपको लंबा व्हील बेस मिलता है। इसकी वजह से आपको 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा, और इसकी वजह से स्पेस ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, 511 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन C3 एयरक्रॉस में। तो फीचर्स के तौर पे लगभग सेम है, क्योंकि दोनों में ही आपको मैनुअल एयर कंडीशन मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलता, देर इज़ नो वायरलेस चार्जिंग C3 एयरक्रॉस में, सनरूफ नहीं है, C3 में भी सनरूफ नहीं है। तो काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग है दोनों गाड़ियों में, मगर आप कनेक्टेड कारटेक ज़रूर मिलता है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, C3 एयरक्रॉस में ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, तो आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, एंड देयर इज लॉट मोर स्पेस। फाइनली अब हम बात करते हैं इंजन्स में। C3 लॉन्च हुई थी, जो हैचबैक की मैंने बात कर रहा हूँ, उसमें 1.2 का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो था, मगर C3 एयरक्रॉस सिर्फ लॉन्च होने वाला है एक टर्बो पेट्रोल के साथ 110 BHP का। इंटरेस्टिंग, सिट्रोन ने अभी बुकिंग स्टॉप कर दी है C3 टर्बो का। तो अगर आप C3 हैचबैक लेना चाहते हैं, सिर्फ 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है 5 स्पीड के साथ, और अगर आप C3 एयरक्रॉस लेना चाहेंगे, आपको एक मोर पावरफुल टर्बो पेट्रोल मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल, दोनों ही सिर्फ मैनुअल, देयर इज नो ऑटोमेटिक ऑन ऑफर। अगर आप प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, C3 हैचबैक के प्राइसेस है 6-8 लाख रुपीज़, और C3 एयरक्रॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो 10 लाख। तो अगर आप एक ज़्यादा स्पेशियस बड़ी गाड़ी चाहते हैं विथ मोर स्पेस, C3 एयरक्रॉस इज़ अ गुड ऑप्शन। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फन एंड स्मॉल एंड स्पोर्टी, C3 हैचबैक इट इज़।